यहाँ तो सनातन धर्म का ढंका बज रहा है चारों तरफ से। अच्छा। अरे और तो क्या कहे, कांग्रेस के नेता लोग भाजपा में जुड़ रहे हैं कि सनातन धर्म की जड़ भाजपा है। चारों शंकराचार्य नहीं गए? नहीं गए, ये सब कांग्रेसी है। अच्छा। ये कांग्रेसी है, आप भालू आ गए अपने आप, वहाँ बड़े बड़े सर्प आ गए अपने आप, जो आज से भालू भी आए थे। हाँ, भालू भी आए हैं। अच्छा। तो वहाँ क्या मोदी जी ने गिर छोड़ दिए, गए बन गया वो भगवान है हमारे महात्माओं का, मोदी जी और योगी जी भगवान का अवतार माना जाता है। बस लव मैरिज में क्या होता है, किसी लड़की ने किसी अन्य जाति के लड़के को वर्ण कर लिया। योगी अभी इस बार जो योग मोदी जी आ रहे हैं ना, अब मोदी जी आ रहे सब कर्नाटक सब काम बंद हो जाना। अच्छा। अन्य धर्मों ने भी दिवाली मनाई। बाबा और आपका शुभ नाम क्या है? हम श्री अयोध्या धाम विजयराम भक्तमाला आश्रम महामंडलेश्वर मोहनदास जी महाराज। बाबा जी आप अयोध्या से हैं, गंगा जी के स्थली पे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ का व्यवस्था और आपको क्या देखने को मिला इस सब? यहाँ तो सनातन धर्म का ढंका बज रहा है चारों तरफ से। अच्छा। जिधर देखो राम नाम का प्रचार, कोई कहता धर्म के अन्य धर्म में ताकत है, कोई धर्म के धर्म में ताकत नहीं। उपमा दिया जाए जैसे एक नल लगा है और एक नदी का घाट है, तो भीड़ किस पर दिखती है? भीड़ दिखती है नल पे दिखती है, नदी में नहीं दिखती, क्योंकि वो छोटा घाट है ना, छोटे घाट पे ज़्यादा भीड़ दिखती है, जो बड़ा घाट है उस पर बड़ी ज़्यादा कम भीड़ दिखती है, बहुत लंबा घाट है। इसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। और ये अन्य धर्म तो ऐसे नल के पानी है, नल का बासर ख़त्म हो गया, नल का पानी बंद हो गया, पर हमारी नदी का बासर ख़राब होना ही नहीं है। कितने धर्म पैदा हो जाए, कितने धर्म पैदा हो जाए, पर नल के ऐसे काम है कि नल का बासर कदम पानी कदम, इसलिए हमारे धर्म का जड़ सदा मजबूत रहेगी। और अन्य धर्म तो ऐसे कि सावन भादों में वर्षा होती है, बहुत सारे घास पैदा होते हैं, पर वो घास का हमारी ज़मीन को ढक तो देते हैं, पर जब गर्मी पड़ती सूख जाता। पर हमारे सनातन धर्म को हम उपमा देते हैं दूब की, कि दूब में जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ही वो विकसित होता है। इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म को देखो, अभी कि जैसे हमारे मोदी जी और योगी जी ने सनातन धर्म को कितना उठा दिया, पहले कहते थे लोग ये है वो है, ये धर्म सनातन धर्म कुछ नहीं, और जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हर आदमी हर धर्म के, जैसे अभी कुछ कांग्रेसी लोगों ने राम मंदिर की विरोध किया था प्रतिष्ठा का, अब वो वहाँ जाने लगे, क्योंकि अब उन्हें देखा कि सनातन धर्म की जड़ कहीं कटने वाली नहीं है, तो वो जोड़ने लगे। अरे और तो क्या कहे, कांग्रेस के नेता लोग भाजपा में जुड़ रहे हैं कि सनातन धर्म की जड़ भाजपा है और भाजपा ने सनातन धर्म को ऊपर उठाया है। हम लोग तो यही चाहते हैं, जो हमारे सनातन धर्म को उठाएगा हम सभी संत उसका साथ देंगे और सनातन धर्म को ऊपर उठाएंगे। अच्छा। बाबा जी आप अयोध्या से हैं, राम मंदिर इसी साल मिला है, क्या देख रहे हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं और सुविधाएं और वहाँ का विकास? वहाँ का विकास तो दिन दूना राख चौना हो रहा है। यहाँ देखो उधर, हमने आज से हम लोग 25-30 साल पहले हमने वहाँ विद्याध्यन करते थे, खंडर वंडर बने रहते, अब तो बॉम्बे पहल हमारे अयोध्या को। अच्छा। बॉम्बे पहल हो गई, योगी जी ने वही कानून जो हमारे बॉम्बे था वही कानून यहाँ लगा लिए कि मकान अगर टूटा पड़ा है तो उसमें टैक्स ज़्यादा लगेगा, इसे मकान की व्यवस्था सारी सुविधा वहाँ सब व्यवस्था हमने कह दी कि महानगर पालिका नहीं, जो बॉम्बे का व्यवस्था वही हमारे से अवध की व्यवस्था होगी, हमारे अवध में सनातन धर्म जागृत हो जा रहा है और संसार को जगा, विश्व को जगा रहा है सनातन धर्म। बाबा जी आप अपने पूरे जीवन काल में वहाँ पर गोलियाँ भी चलती देखे हैं, मस्जिद को तोड़ते हुए भी देखे होंगे, तो ये बताइए कि इतने सालों के बाद राम मंदिर मिला है, इतने संघर्षों के बाद, उसके बावजूद भी कुछ हिंदू हिंदू ही हैं जो विरोध में भी हैं, कह रहे हैं राजनीतिकरण हुआ है राम के नाम पर। ये जब मंदिर टूटता था तो उस समय हम उसी में विद्याध्यन करते थे। अच्छा। ये सारी क्रिया मुसलमान मुलायम सिंह की है और मुलायम सिंह अन्य धर्म से जुड़ा था, तो क्योंकि हमें किसी से काम करना तो अन्य धर्म को जोड़ना है, तो अन्य धर्म में जुड़ करके सनातन धर्म के विरोधी बन गए थे। तो आज उसका परिणाम क्या हो रहा है, वो उन्हें सनातन धर्म का विरोध किया, तो जो जिन्होंने इसका गोली चलवाई वो आके फूटी बहरा हुआ वो मर गया, बीपी सिंह ने किया था वही प्रधानमंत्री बना था, तो उसकी आँखें खराब उसकी भी उसको भी मर गया। और अब जब देखो अब ये अखिलेश भी चल रहे हैं तो अखिलेश की भी पार्टी ध्वस्त हो रही है, सब पार्टियां ध्वस्त, कोई कुछ नहीं हमारे सनातन धर्म का बिगाड़ सकता। और देखो एक है आम का पेड़ और एक है रेणी का पेड़,
रेणी पेड़ समझते हो, रेणी का भी एक साल भर के अंदर बढ़ाव हो जाता और फल लग जाए, फूल लगते। और आम के पेड़ में एक साल में तो वो कई जड़ जमती है, एक जड़ जमती पर 10 साल के बाद विकास होता है। इसी प्रकार से हमारा अयोध्या में अपने सनातन धर्म का ये है कि वो पहले जड़ जमाता तब ऊपर कोई उठता है, और अन्य धर्म में पहले जड़ नहीं जमाते, सीधे ऊपर हो जाते और एक हवा चलती उड़ जाते। और जब आम का पेड़ जड़ बना लेता है तो कितनी हवा चले तो जड़ नहीं हटती है ना। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के समय आरोप लगा कि राम मंदिर अभी आधा अधूरा है और प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता, ये आप क्या देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं, हमारी सिंहासन बन गई, शिखर बन गई, सब कुछ बन गया। वो तो क्या राजनीति वालों को तो विरोध करना, अन्य पार्टियों को विरोध करना, हमारा पूरा मंदिर विकसित हो गया। हाँ अभी जब भगवान का सिंहासन बनेगा तो पुजारी को रहने को अन्य काम होता रहता है। तो हमने जैसे अपने घर में हम मकान बना, भाई पहले बैठने को बना लो, फिर अन्य कमरे बनते, इसी प्रकार में ठाकुर जी बैठ गए तो सबका विकास हो। तो कहने वाले भक्ति थे, भकने तो बस। चारों शंकराचार्य नहीं गए? नहीं गए, ये सब कांग्रेसी है ना। अच्छा, ये कांग्रेसी है। हाँ। अब तो जा रहे ना, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, क्योंकि किसी को बार बार एक जैसे एक जंगल में सियार होता है तो सियार होता तो अब कहता मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और जब सब जो है तो फिर सियार ही बंद हो जाके अपने कुछ नहीं होने वाला हमारा, बस ये। अच्छा, कह रहे थे कि शास्त्र के हिसाब से नहीं हुआ है, शास्त्र के मने मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, सिर्फ राजेंद्रीकरण हुआ। सभी बनारस के पंडित आए, श्री हमारे चित्रकूट के तुलसीपीठ के श्री राम भद्राचार्य जी और बनारस के बड़े बड़े विद्वानों ने इसका शोधन किया है और शोधन करके उसका बैठा लग गया है। जब तारीख शुद्ध नहीं होती तो देखिए प्रकृति का, प्रकृति में अपने आप वहाँ पर भालू आ गए, अपने आप वहाँ बड़े बड़े सर्प आ गए, अपने आप जो आज से भालू भी आए थे। हाँ, भालू भी आए हैं। अच्छा। और आपने हम लोग पहले यहाँ से इलाहाबाद को सीधे कीटगंज को जाया करते सीधे, तो यहाँ 50 और 100 गीध मिलते थे, आज 15 साल से गीध नहीं। तो वहाँ क्या मोदी जी ने गीध छोड़ दिए गए? तो ये प्रकृति, वहाँ जब भगवान का समय है तो गीध भी प्रकृति ने सबको साथ दिया है भगवान के जन्म में, इसलिए कहने वाले कहते हैं बस। अच्छा, ये बताइए राम मंदिर मिल गया, ज्ञानवापी कृष्ण जन्मभूमि कब तक मिलेगी? ये अभी अभी ये बार हमारे मोदी जी आ जा रहे हैं तो ज्ञानवापी का पहले काम लगे, उसके बाद में मथुरा वाले मंदिर का काम प्रारंभ हो। आपको उम्मीद हो गया है कि इस बार नहीं है? उम्मीद तो कहते हैं बादल, ऐसे कहते हैं बादल आएंगे, शायद वर्षा होगी। हमारे तो बादल आ गए हैं, केवल वर्षा होना है बस। लेकिन मोदी जी के मतलब पीछे पूरा विपक्ष पड़ा है, कह रहे हैं इस बार तो मोदी जी गुजरात जाएंगे, आप इस पर क्या? मोदी जी कहीं नहीं जाए, पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का एक ऐसा बन गया, वो भगवान है हमारे महात्माओं का मोदी जी, और योगी जी भगवान का अवतार माना जाता है बस। एक महीने के भीतर 3 मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा किए हैं मोदी जी, राम मंदिर, कल्कि भगवान का, और एक दुबई में मंदिर बना है उसका। आप क्या देख रहे हैं, क्या सच में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है भारत? हिंदू राष्ट्र होगा जो मोदी जी योगी जी रहेंगे तो हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा, हिंदू हिंदू का राज दिखेगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में क्या आप देखना चाहते हैं जो अभी नहीं है और तब? हिंदू राष्ट्र में ये देखा जाता है कि किसी को वर्णाश्रम बाकर चलेगा, जैसे अभी एक कानून बना है कि पहले चलता था कोर्ट मैरिज लव मैरिज, अभी वो कोर्ट मैरिज और लव मैरिज मोदी जी ने देखा कि ये हमारे समाज को हमारे वर्णाश्रम में घात पहुंचा रहे। लव मैरिज, लव मैरिज में क्या होता है, किसी लड़की ने किसी अन्य जाति के लड़के को वर्ण कर लिया या लड़का ने अन्य जाति को वर्ण कर लिया, उससे हमारे धर्म में है वर्णाश्रम, इसे वर्णाश्रम खत्म हो रहा है और जो संतान होती है वो वर्ण संकर होती है, उससे वो धर्म को सनातन धर्म को, जो अन्य जात का निकलेगा वो अन्य जात में आएगा, वो सनातन धर्म की जड़ काटेगा और जो असली बाप का होगा सनातन धर्म को पकड़ेगा। इसलिए मोदी जी ने वो लव मैरिज और कोर्ट मैरिज बनकर बना करके कि बस एक ही धर्म, हमारी बेटी हमारी जात में जाएगी, तुम्हारा लड़का तुम्हारी जात में, तो वो धर्म को कभी अवचेक नहीं पहुँचाएगा बस। बाबा जी, अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में वहाँ पर 10% टैक्स लग गया है मंदिरों पे, मंदिरों से अब टैक्स वसूला जाएगा 10%, आप क्या इस पर सोच रहे हैं? वो कभी नहीं, हमारा योगी अभी इस बार जो योग मोदी जी आ रहे हैं ना, अब मोदी जी आ रहे सब कर्नाटक सब काम बंद हो जाना। अच्छा, अब आएंगे 100% आएंगे। अच्छा, आएंगे और सब कोई प्रकार किसी प्रकार की परेशानी आनी है, सभी को हिंदू को वो सुख मिल रहा है, जैसे पाकिस्तान में
पाकिस्तानी को सुख मिलता है कि कोई वहाँ में हिंदू नहीं बोल सकते, हमें नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा, हिंदुओं को अपनी बेटी को देने पड़ता। उसी प्रकार से हमारे भारत में जैसे सभी को स्वतंत्र, कोई किसी को ये नहीं रहे, हम हिंदू एक बन के रहेंगे और अपने धर्म को प्रचार करेंगे हम साधु मिल करके। और सनातन धर्म का जहाँ हमारे मंदिरों पर कोई प्रकार का परेशानी होती है, हम लोग मिल करके वहाँ अपना झंडा गाड़ के अपने धर्म का प्रचार करेंगे। 22 तारीख को पूरे भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ हिंदू थे तहाँ तहाँ दिवाली मनाई गई। आप क्या देखें उस समय, मतलब क्या ये सही मुहिम था, कितना साबित हुआ, क्या सच में सब हिंदू एक हो गए थे? सभी, ऐसा कोई घर नहीं है। अन्य धर्मों ने भी दिवाली मनाई है। अच्छा, क्रिश्चियनों ने भी दिवाली मनाई, यहाँ के मुसलमानों ने दिवाली मनाई। ये तो एक अब प्रतिवर्ष की एक दिवाली हमारी एक नई दिवाली बन गई। भगवान पे 14 वर्ष लौट के आए थे तब दिवाली बनी। हाँ। हमारे राम जी ने कहते हैं 500 साल बाद 500 साल बाद हमारी दिवाली आ गई। अब इससे अच्छा कौन मुहूर्त है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।